हमसे हमेशा जुड़े रहने के लिए हमें सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। राजकीय चिकित्सालय बाड़मेर में बढ़ते डेंगू एवं अन्य मौसमी बीमारियों के मरीजों को देखते हुए आज शिशु रोग वार्डों का दौरा कर वस्तु स्थिति की समीक्षा की। वार्ड में दौरे के दौरान मरीजों से स्वास्थ्य के बारे में हालचाल जाने। इस दौरान कई मरीजों द्वारा कुछ दवाइयां डॉक्टर्स द्वारा बाहर की लिखने की बात सामने आई। हालांकि अधिकतर दवाइयां हॉस्पिटल में ही मिली है, लेकिन कुछ ऐसी दवाइयां जो हॉस्पिटल में है उसके बावजूद बाहर की लिखना गंभीर विषय है। यूनिट प्रभारी डॉक्टर हरीश चौहान को मौके पर इस संबंध में इस विषय की गंभीरता से अवगत करवाया। माननीय मुख्यमंत्री जी की सोच है कि हॉस्पिटल में आने वाले प्रत्येक रोगियों का निशुल्क उपचार हो, अतः इस विषय को सभी को गंभीरता से लेना पड़ेगा। हालांकि पिछले दो दिनों से डेंगू के मरीजों में आशंक की कमी आई है। आज शिशु रोग वार्ड में करीबन 12 से अधिक बेड खाली थे, लेकिन किसी भी स्थिति में निपटने हेतु जिला कलेक्टर से चर्चा कर अगर डेंगू के मरीजों की संख्या ज्यादा बढ़ती है तो फिर भी हाई स्कूल में लगे डॉम हॉस्पिटल में नया वार्ड शुरू किया जाएगा। हॉस्पिटल के दौरे के दौरान जाँच लैबों में पहुँच कर स्थिति को जाना। इस दौरान आज करीबन 350 से ज्यादा सैंपल आ गए थे। कल 600 के करीबन निशुल्क जांच की गई। जांच केंद्रों में नवीन सीबीसी मशीन की जरूरत सामने आने पर जिला कलेक्टर के साथ चर्चा कर नई सीबीसी मशीन खरीदने का निर्णय किया गया। इसके साथ साथ हॉस्पिटल में स्टाफ की कमी को देखते हुए जिला कलेक्टर, मुख्य चिकित्सा अधिकारी एवं पीएमओ के साथ मीटिंग कर 50 सीएचए हॉस्पिटल में पद स्थापित करने का निर्णय किया गया। इसके साथ साथ यह भी निर्णय लिया गया कि मौसमी बीमारियों को देखते हुए अवकाश के दिनों में भी ओपीडी में डॉक्टर्स की ड्यूटी सुनिश्चित की जाए, ताकि बाहर से आने वाले मरीजों को परेशान नहीं होना पड़े। हमारा साफ उद्देश्य है कि जिला मुख्यालय के इस हॉस्पिटल में बेहतर चिकित्सा सुविधाएं उपलब्ध कराएं, इस हेतु सभी का सहयोग अपेक्षित है। जागरूक टीवी के संवाददाता से बात करते हुए बाड़मेर के अस्पताल अधीक्षक बीएल मंसूरिया, इन्होंने ये कहा। सर, राजकीय अस्पताल में डेंगू के क्या हालात है? राजकीय चिकित्सालय में मौसमी बीमारियों के चलते हुए अभी जो है काफ़ी तादाद में मरीज आ रहे हैं, और उसमें कुछ डेंगू के भी मरीज है। मलेरिया के मरीज तो बहुत ही कम है, कोई उसका इलाज भर्ती भी नहीं है कोई, लेकिन डेंगू के मरीज जरूर है। तो सर, बच्चों का जो वार्ड है वहाँ एक बेड पे दो दो बच्चों को लेटाया जा रहा है? नहीं, बच्चों के वार्ड में जो है हमारे कुछ बेड कम हो गए। हमने NICU बनाया तो वो बच्चों के बेड कम हो गए, लेकिन फिर भी 40 बेड हमने बच्चों के है। सभी पे तो डबल नहीं है, लेकिन कुछ पे जो है वो बेंच जो है उस पे बच्चों को लिया हुआ है, क्योंकि बच्चों का भी एडमिशन 50 से 60 के आसपास लग रहा है। सर, वहाँ जो बच्चों के अटेंडर परिजन है उनका कहना है कि हमें दवाइयाँ सारी बाहर से लानी पड़ रही है, अस्पताल के अंदर सीरीज तक नहीं है। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं, सीरीज से लगा करके सभी उपलब्ध है। एक भी बताओ कोई सीरीज या कोई दवाई अंदर नहीं है। परिजन कह रहे हैं कि हमें सारी दवाई अलग बाहर से लाने। ऐसा तो सी सभी दवाई डेंगू के लिए तो कोई ऐसी विशेष तो कोई दवाई आती नहीं है, जो सामान्य दवाई है वही काम आती है, और सीरिंज तो हमने कभी से उनको उपलब्ध करा रखी है। अभी पता कर लेते हैं, सीरिंज का तो कोई इश्यू है ही नहीं हमारे पास। तो सर, अब तक कितने मरीज सामने आए हैं डेंगू के? भर्ती मरीज तो कोई ज़्यादा नहीं रहे, कभी 30 या 40 मरीज मुश्किल से भर्ती रहे होंगे। बाकी पॉजिटिव तो खैर आए हैं, काफी सारे आए, एग्जैक्ट आंकड़ा तो भी नहीं है मेरे पास, लेकिन फिर भी काफी आ रहे हैं। जागरूक टीवी के बाड़मेर से ठाकरा मेघवाल की रिपोर्ट।